बॉलीवुड के एक्शन जैक्सन अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 2 हो चुकी है रिलीज और मूवी का स्टार्टिंग का क्रेज बज और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग है कि लगता है मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा तो आसानी से छू लेगी बिकॉज इसके स्पेशल नाइट शो चला रहे हैं। कोरोना एरा के बाद बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिसको नाइट शो में चलाना पड़े। ये पब्लिक की डिमांड है, मोमेंटम है और अजय की मूवी का एक जादू है ताकि पब्लिक थिएटर तक आ भी रही है और स्पेशल स्क्रीनिंग भी देख रही है। तो अभी तक जो रिव्यू आए हैं बहुत स्ट्रांग है, इसके स्टार कास्ट की बहुत तारीफ हो रही है, खासतौर पर अजय देवगन, अक्षय खन्ना और तब्बू की बहुत तारीफ हो रही है। अजय तब्बू की जोड़ी बहुत अलग केमिस्ट्री की है पार्ट टू में। पहले पार्ट में जहां पर तब्बू पुलिस वाली थी, इस पार्ट में एक माँ बनकर रिवेंज लेने आई है और यहीं पर अजय तब्बू का लकी चार्म काम कर रहा है बिकॉज दोनों ने जब जब साथ में काम किया है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मूवी में निकल कर आई है। करीब 8 फिल्मों में अजय तब्बू साथ काम कर चुके हैं और 8 में से 5 फिल्में तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं और अब उनकी नवी मूवी का नाम होगा भोला। भोला साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी कैथी का रीमेक है जो कि लोकेश कनगराज की क्राइम यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली है, यानी विक्रम यूनिवर्स में भोला भी इन्वॉल्व हो चुका है। बट हिंदी में भोला को पहले कोई और डायरेक्ट कर रहा था बट अजय ने जब इसका कैनवास देखा, इसके यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब भोला को हम खुद बनाएंगे और तभी भोला के डायरेक्टर बन गए अजय देवगन। और सबसे पहले उन्होंने अपने लकी चार्म तब्बू को कास्ट किया। तब्बू इस मूवी में बहुत ही स्पेशल मिस्टीरियस कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं और उनकी नवी मूवी भी लकी चार्म के साथ ब्लॉकबस्टर होगी ऐसा उम्मीद लगती है। इसके अलावा अजय देवगन की पिछली दो फिल्में रनवे 34 और थैंक गॉड फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में अगर दृश्यम 2 भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती तब भोला के लिए राह में मुश्किलें आ सकती थी बट इस मूवी की ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने अजय के लिए रास्ता खोल दिया है और अब भोला के लिए पब्लिक के बीच में पॉजिटिव मोमेंटम बन चुका है। वैसे ही भोला अगर बड़ी लेवल की बनती है और यूनिवर्स का पार्ट बनती है लोकेश कनगराज का तब अजय तब्बू इस मूवी को और भी आगे एक्सपेंड करेंगे। तो दोनों की जोड़ी की बहुत ही ब्लॉकबस्टर बात हुई है। अगर इस जोड़ी की हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार दोनों ने साल 1994 में विजय पथ में काम किया था। विजय पथ बहुत बड़ी हिट थी। इसके बाद 1995 में हकीकत, 1999 में तक्षक, 2015 में दृश्यम, 2016 में फितूर, 2017 में गोलमाल अगेन और 2019 में दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों में दोनों ने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा और मोस्टली फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। अब 16 साल बाद दोनों पहली बार दृश्यम के पार्ट वन में आए थे और उसके बाद अब लगातार दोनों की जोड़ी का सिलसिला जारी है जो कि भोला तक कायम रहेगा। तो भोला की कास्टिंग, भोला का लकी चार्म और भोला का 3D वर्जन पब्लिक को एक्साइटेड करेगा, प्लस दोनों की जोड़ी का मैजिक भी रिक्रिएट होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस बार अजय देवगन का भोला बॉक्स ऑफिस पर आग का गोला बनकर बरसेगा और कमाई के नए नए रिकॉर्ड कायम करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक अजय देवगन, बेस्ट ऑफ लक तब्बू। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।